हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आशीष जब से गए हैं सिर्फ उनकी डायरी ही मेरा सहारा है। इसे पढ़ती हूँ तो लगता है कि वो मेरे आसपास ही हैं। क्यों चले गए वो मुझे छोड़कर? रागिनी, अपनी सोच से बाहर निकलो। इस डायरी में कुछ नहीं रखा है। तुम्हें अपने और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। मेरी मानो तो दूसरी शादी कर लो। नहीं, मेरे और मेरे बच्चे के लिए आशीष की यादें ही काफी हैं। मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, मुझे देर हो रही है। ऑफिस के पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहती। ये लड़की भी ना हमेशा जल्दी में रहती है। एक मिनट रुको तो सही। बोला ना तुझे दही शक्कर लेकर आ रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक। रागिनी मुस्कुराते हुए अपनी माँ के गले लग गई और बोली, जिसके पास आप जैसी माँ हो उसका लक हमेशा अच्छा ही होता है। ज्यादा मस्का मत लगा। टिफिन में तेरे पसंद की पूरी आलू रखे हैं। लंच जरूर कर लेना, ऐसा ना हो कि काम की धुन में लंच करना ही भूल जाए। माँ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे आप इतना समझा रही हो। बच्चे चाहे कितने बड़े हो जाएं, माँ के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद रागिनी अपने लिए अच्छी जॉब की तलाश कर रही थी। आज उसकी तलाश पूरी हो चुकी थी। उसे शहर के नामी फार्म में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिली थी। इस जॉब के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उसने मन ही मन सोच रखा था कि अपने सीनियर्स को कभी भी अपनी गलती निकालने का मौका नहीं दूंगी, अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी। वो ऑफिस पहुंचकर एंट्री रजिस्टर पर साइन करने लगी तो पीछे से एक आवाज आई, मिस रागिनी, आज आप पूरे 10 मिनट लेट हैं। रागिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो लगभग 5 फीट 10 इंच का लंबा खूबसूरत नौजवान लड़का खड़ा था, जिसकी आंखों पर ब्लैक शेड्स लगे थे और हाथों में एक डायरी थी। आपका ऑफिस में पहला दिन है इसलिए आपको बता देता हूँ, मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। व्यक्ति को समय का पाबंद होना चाहिए। रागिनी दो पल के लिए तो उसे ही देखती रह गई। वह शख्स मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। रागिनी एंट्री रजिस्टर पर साइन करके वहां बैठी हुई रिसेप्शनिस्ट से कहा, हेलो, माय नेम इज रागिनी, रागिनी शाह। इस ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंट हुई हूँ। क्या इनके बारे में जान सकती हूँ, कौन है ये? हेलो मैम, मेरा नाम निधि है। किसके बारे में पूछ रही हैं आप? वही जो अभी यहाँ खड़े थे। अच्छा, आप आशीष सर की बात कर रही हैं। वो इस ऑफिस के सीनियर मैनेजर हैं। उनसे मिलकर आप इतनी बात तो जान ही गई होंगी कि कोई लेट आए तो उन्हें पसंद नहीं है। ऑफिस में काम करते हुए रागिनी आशीष की बातों से और ज्यादा इंस्पायर हो रही थी। वह मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी, मगर आशीष हमेशा खुद की दुनिया में खोया रहता था। वह हर वक्त अपने पास एक डायरी रखता और जरूरी बातें उसमें नोट करता था। सर, आजकल तो इतने गैजेट्स आ गए हैं, आप जरूरी बातों को रिमाइंड रखने के लिए उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि वो खुद आपको ये बात समय समय पर रिमाइंड करा देंगे। डायरी तो आपको खोल कर देखनी होगी। मिस रागिनी, आपकी बात सही है, मगर जरूरी तो नहीं कि हर वक्त इंसान गैजेट से घिरा रहे। बचपन से लेकर आज तक ये डायरी हमेशा मेरा साथ बखूबी निभाती आई है। आशीष रागिनी के काम करने की स्टाइल से बहुत ज्यादा खुश था। रागिनी हर काम परफेक्ट करके उसे देती थी। आशीष हमेशा अपने दूसरे कलीग से उसकी बड़ाई करता था। उसके काम करने के ढंग से इम्प्रेस होकर आशीष अब रागिनी को ऑफिस के हर जरूरी प्रोजेक्ट में अपने साथ रखता था। हर वक्त एक साथ रहने के कारण धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, मगर इसका इजहार कोई नहीं कर पा रहा था। दोनों के चुप चुप से प्यार करने का पता ऑफिस में सबको चल चुका था। सब कोई रागिनी को चिढ़ाने लगे थे। अब तो तुम जैसे भी आओगी तो भी आशीष सर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम ऑफिस आया जाया करो, वरना सर का मन काम में नहीं लगता। अपने कलीग से ऐसी बातें सुनकर रागिनी शर्मा जाती और मुस्कुराती, मगर कुछ बोल नहीं पाती। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करने का मौका ढूंढ रहे थे। जल्दी ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था। सभी उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। रागिनी और आशीष ने तो दिन रात एक करके उस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की थी।
प्रोजेक्ट फाइनल होने से लेकर उसके एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटजी दोनों मिलकर बना रहे थे। जल्दी उस प्रोजेक्ट के लॉन्च की पार्टी थी। आशीष और रागिनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने प्रोडक्ट की डिटेल बता रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद आशीष ने रागिनी को रुकने को बोला और हर वक्त खामोश रहने वाले आशीष ने खुद आगे बढ़कर रागिनी को प्रपोज कर दिया। वह रागिनी के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथों में खूबसूरत सी डायमंड रिंग थी। वह रागिनी की ओर बढ़ाते हुए बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एक पल के लिए तो आशीष का प्रपोजल सुनकर रागिनी को लगा कि वो सपना देख रही है। रागिनी ने बड़ी खुशी से हाँ कर दी और आशीष ने उसे रिंग पहना दी। आशीष, मुझे तो लगा था कि तुम कभी मुझे प्रपोज करोगे ही नहीं, क्योंकि तुमने कभी मुझसे ऑफिस और उससे जुड़ी बातों के अलावा कभी कोई बात नहीं की। क्या करूं, मुझे अपनी फीलिंग शेयर करना नहीं आता, मगर तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जब से तुम मिली हो तुम्हारी एक एक बात मैंने अपनी डायरी के साथ शेयर की है। ये डायरी हम दोनों के प्यार की निशानी है। जो बात तुम्हें मुझसे कहनी थी वो तुम इस डायरी को बता रहे हो, तो ऐसा करो, अब शादी इस डायरी से ही कर लेना। दोनों के घर वाले भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे, मगर रागिनी की माँ को एक बात खटकती थी, कहाँ उनकी बेटी मस्त मौला, हर एक से मस्ती मजाक करने वाली, और उनका होने वाला दामाद आशीष एकदम शायद जरूरत के हिसाब से ही बोलने वाला। उन्हें लगता कि इन दोनों की जोड़ी कैसे लगेगी, मगर रागिनी कहती, माँ मैं आशीष के साथ बहुत खुश हूं। जल्दी ही दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आशीष की माँ तो रागिनी के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि रागिनी के कारण उनके पूरे घर में चहल पहल हो गई थी। बेटा, जब से तू इस घर में आई है इस घर में रौनक आ गई है, वरना ये दोनों बाप बेटे तो बिल्कुल ही बोलते नहीं थे। मैं अकेली ही बोलती रहती थी। कोई बात नहीं माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सबको बोलना सिखा दूंगी। कुछ दिनों के बाद अब जब दोनों पूरे समय साथ रहते थे तो रागिनी को आशीष का कम बोलना अखरने लगा था। आशीष अपने मन की बात रागिनी से ना कहकर हर रोज डायरी में लिखता था, इसलिए रागिनी आशीष को बहुत हद तक अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करने लगी थी। आशीष, ये डायरी तो मेरी सौतन बन गई है। जब देखो तुम इस डायरी में ही लगे रहते हो। पहले तुम कहते थे कि अपने मन की बात इसमें लिखता हूँ, मगर तुम अब अपने मन की बात मुझसे कर सकते हो ना, फिर क्यों ये डायरी लिखते हो? रागिनी माय लव, तुम खामोखा इस बेजान सी डायरी से जलन फील कर रही हो। तुम मेरा पहला लव हो और हमेशा पहला ही रहोगी, मगर ये डायरी मेरा पैशन है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। आशीष की बातें सुनकर रागिनी नाराज हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। आशीष अपनी डायरी लिखकर अपने कमरे में आता है और रागिनी को मनाने की कोशिश करने लगता है। अभी आकर बहला रहे हो, जाओ अपनी डायरी के साथ ही सो जाओ। आशीष उसे अपनी बाहों में लेकर मनाने लगता है। रागिनी भी उससे ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। रागिनी, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमारी फैमिली के बारे में भी सोचे। अभी हमारी शादी को एक महीना भी नहीं हुआ है और तुम फैमिली के बारे में सोच रहे हो? अभी तो ये समय हम दोनों के साथ बिताने का है। अरे, साथ बिताने को तो पूरी उम्र है, मगर मैं चाहता हूँ कि जल्द ही इस घर में एक नन्हा सा मेहमान आ जाए, ताकि तुम्हें उसके साथ अकेला फील ना हो। मैंने हम लोगों के लिए ऊटी के टिकट कराए। एक मंथ के लंबे वेकेशन पर हम दोनों वहाँ जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लंबे वेकेशन के बाद हमारी फैमिली में एक नन्हे मेहमान की आहट आ जाएगी। रागिनी भी मुस्कुरा कर दोबारा उसकी बाहों में खो जाती है। आशीष और रागिनी दोनों ऊटी में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आशीष रागिनी की हर शिकायत को दूर करने की कोशिश करता है। वो उससे ढेर सारी बातें करता है, उसके साथ बच्चों की तरह मस्ती करता है, मगर डायरी लिखना नहीं छोड़ता है। रागिनी, मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह बदलने को तैयार हूँ, अब तो तुम मेरे साथ खुश हो ना। आशीष, अब हम दोनों एक हो चुके हैं, दोनों ने एक दूसरे को उसकी कमी और खूबी के साथ अपनाया है। एक महीने के लंबे वेकेशन के बाद जब दोनों घर लौटते हैं तो रागिनी अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी अपने घर वालों को देती है, तो आशीष की माँ खुशी से झूम उठती है और रागिनी की नजर उतारते हुए बोलती है,
आज शायद मुझसे ज्यादा खुश नसीब और कोई नहीं होगा। इतनी बड़ी खुशखबरी, मेरे तो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। आज से तेरा ऑफिस जाना बंद, घर पर आराम करो। रागिनी और आशीष भी बहुत खुश थे, मगर उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक रोज ऑफिस से लौटते वक्त आशीष की कार का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट इतना घातक था कि गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी। आशीष की हालत भी बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ और आशीष रागिनी को अकेले छोड़कर इस दुनिया से चला गया। रागिनी को तो विश्वास ही नहीं था कि आशीष उसे इस तरह अकेला छोड़कर चला जाएगा। उसे लगभग 1 से 1.5 महीना लग गया था खुद को संभालने में। सभी घर वाले उसे दूसरी शादी करने को बोल रहे थे, मगर उसने साफ साफ मना कर दिया। एक दिन जब वो अलमारी साफ कर रही थी तो उसके हाथ आशीष की डायरी लगी, जिसमें आशीष उसके बारे में लिखता था। तभी उसकी नजर एक पन्ने पर पड़ी और वो हैरान रह गई। अब वो रोज डायरी निकाल कर पढ़ती और खुश हो जाती। आशीष की माँ अपनी बहू को नॉर्मल होते देख बहुत खुश थी, मगर उसे उसके भविष्य की चिंता सता रही थी। इसलिए एक दिन आशीष की माँ उसके पास आई और उससे दूसरी शादी के बारे में बातें करने लगी। माँ, जब मैं एक बार बोल चुकी हूँ कि मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी, तो क्यों सब लोग मेरे पीछे पड़े हो? आशीष जब से गए हैं, सिर्फ उसकी डायरी ही मेरा सहारा है। इसे पढ़ती हूँ तो लगता है कि वो मेरे आसपास ही हैं। रागिनी, अपनी सोच से बाहर निकलो। इस डायरी में कुछ नहीं रखा है। तुम्हें अपने और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। मेरी मानो तो दूसरी शादी कर लो। नहीं, मेरे और मेरे बच्चे के लिए आशीष की यादें ही काफी हैं। मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि आशीष कहीं गया नहीं है, यही मेरे पास है। पागल हो गई हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, मगर अब मैं दूसरी शादी के बारे में नहीं सोच सकती। अब ये डायरी ही मेरा सब कुछ है। क्या तुम रोज यही डायरी पढ़ती रहती हो? हर दिन ऐसा क्या नया पढ़ने को मिलता है इसमें तुम्हें? गुस्से में आकर आशीष की माँ ने वो डायरी छीन ली और जमीन पर फेंक दी। तब उसके पन्ने खोले तो देखा कि आशीष ने अपने और अपने होने वाले बच्चे के लिए जो ख्वाब देखे थे वो लिखा था, और डेट आज की ही डाली हुई थी।